ये देखो राजा प्रताप रुद्र आपके अत्यंत जो है प्रिय सेवक है। यह कभी राजा प्रताप रुद्र यह कहा जी चैतन्य महाप्रभु जी मुझे दर्शन नहीं दे तो आप कृपा नहीं करें, मैं राज्य पाठ छोड़ करके मैं चला जाएगा। यह कभी जोगी होकर के कान में छेद करके कर्ण छेद लेकर के मैं चला जाता हूँ राजपाठ छोड़ के, तथापि महाप्रभु कस्से मसने सन्यासी हॉट होता है। महापुरुष संघ कर महापुरुष संघ करने लगे निर्वक्ष ना हुई ले धर्म रक्षण ना जाए। यदि निर्वक्ष होकर भी नहीं रहे तो धर्म रक्षण नहीं होगा। इसी प्रकार से सभी भक्त लोग महाप्रभु के कहने लगे ये राजा प्रताप रुद्र एक तो जगन्नाथ जी के सेवक ही है और दूसरी जो है आपके प्रति इतने गाढ़ प्रेम रखते हैं आप उसकी कृपा करिए दर्शन दिए। किंतु महाप्रभु तस्य मसने किंतु देखो यही रथ यात्रा के समय जब राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लेकर के जब झाड़ू देने लगे और उसको देख करके महाप्रभु के हृदय द्रवीभूत हो गया और महाप्रभु मानो उसी समय मन ही मन विचार करने लगे राजा प्रताप रुद्र के आज मुझे कृपा करना ही है। इसी प्रकार राज रथ यात्रा जगन्नाथ जी के रथ यहाँ पर जब स्तंभित मन स्थिर हो गए और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जब विश्राम करने लगे उस समय स्वरूप दामोदर कहने लगे कि आप इसी समय ये राज वेश त्याग करके वैष्णव वेश आप धारण के और उस समय प्रताप रुद्र लगा के तिलक लगाया और वैष्णव वेश धारण किया। देखो भगवान के पास जाना है तो कैसे वेश में जाना है, राज वेश में नहीं, भगवान के पास जाना है कैसे वेश में, वैष्णव वेश में धोती आदि पहन करके और गलवस्त्र होकर के भगवान के पास जाना है। देखो उसी प्रकार स्वरूप दामोदर प्रताप रुद्र की भी उपस्थिति दिया आप राज वेश त्याग दे करके आप महाप्रभु के पास जाइए वैष्णव वेश धारण करके और उस समय राजा प्रताप रुद्र राज वेश त्याग देकर त्याग करके वैष्णव वेश धारण करके महाप्रभु के पास आए और उस समय चैतन्य महाप्रभु आंख बंद करके बैठे हुए थे कुछ चिंतन कर रहे। देखो अभी अभी हम लोग कथा भी श्रवण कर रहे हैं रस की माधुर्य कथा तब हृदय से निकल करके आता है जिस स्वजातीय वो जिस प्रकार गुरुदेव उदाहरण देते थे ये देखो बछड़ा को बछड़े को देख करके ही गाय के स्तन से अपने आप दूध निकल करके आता है और बछड़ा जब गाय के स्तन में मुख लगा देते हैं वो दूध अपने आप झरना शुरू कर देता है। तात्पर्य क्या है, तात्पर्य है भक्त की तात्पर्य भक्त कैसे हुए उस भक्त के भाव माधुर्य के अनुसार कथा प्रकाश होता है। ठीक उसी प्रकार स्वरूप दामोदर महाप्रभु के भावों को जानते थे। चैतन्य चरितामृत में कई जगह में वर्णन है ये अकेला स्वरूप जने महाप्रभु भाव एकमात्र स्वरूप दामोदर जो है महाप्रभु के भावों के जानते थे और उस समय इसलिए स्वरूप दामोदर राजा प्रताप रुद्र के कहने लगे देखो महाप्रभु के भाव के अनुसार आप कीर्तन कीजिए और सेवा की। देखो हम लोग कहते ना केवल हाथ केवल मुंह से नहीं और हाथ से भी सेवा है जैसे तुलसीदास जी भी कहते हैं मुख में राम नाम और राम सेवा हाथ में तो तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ मुख में भगवान के नाम कीर्तन हो और शरीर के द्वारा भगवान की सेवा हो तो एक दिन वास्तव रूप में शुद्ध नाम हमारे मुंह से बजिया से प्रकट होगा अपने आप नित्य करेगा। हम तो अभी नाम करते जबरदस्ती करके किंतु देखो जब शुद्ध नाम उदित हो जाएगा वो अपने आप जिया में तुंड तनुते तुंडावली लब्ध जिया के अग्रभाग में अपने आप
नित्य करेगा, है ये समस्त भी बहुत वर्णन है। ठीक उसी प्रकार सरू दामोदर उनके बोले ये महाप्रभु के भावों के अनुसार आप कीर्तन की। और उस समय राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु के चरण सेवा आदि करने लगे और कीर्तन करने लगे। कौन सा कीर्तन? महाप्रभु के भावों के अनुसार गोपी गीत है, जयति ते गोदिकां जनमना ब्रज श्रयत इंदिरा शास आत्रयी दैत दीक्षतां दीक्षुताभुका जब एक कीर्तन एक गोपी गीत करते करते जब आगे कौन सा तब तथा मृतम तप्त जीवनम सविविदीरितम कालमसापम श्रवणमंडलम श्रीमदाततम देखो इस कीर्तन के सुन करके जो महाप्रभु आंख बंद करके और इतने प्रसन्न हुए महाप्रभु उसी आंख बंद करते हुए बोले ऐसे कौन महान है जो भूरी दा जना भूरी माने श्रेष्ठ दा माने दाता इस संसार में सर्वश्रेष्ठ दाता कौन है जिस संसार में अनेकों दाता की कथा हम श्रवण करते हैं भागवत आदि ग्रंथ आदि में अनेकों दाता की कथा बताई हरिश्चंद्र जैसे दाता की कथा श्रवण किया श्री महाराज के उपाख्यान भी हम श्रवण करते हैं राजा श्री अपने की हुई पूरा चढ़ा दिया ऐसे दाता दाताओं की कथा सुन किंतु कहते हैं भूरी दाता भूरी दा जना सर्वश्रेष्ठ दाता कौन है जो ऐसे कृष्ण की कथा श्रवण कराते हैं और महाप्रभु स्वयं उनको आलिंगन करने लगे देखो इतने सुंदर यहाँ पर जिस स्थान जो है हम लोग आए हैं महाप्रभु जो राजा प्रताप रुद्र की दर्शन देना नहीं चाहते थे और ऐसे दान भी दिए और महाप्रभु उसी दशा में भी कहने लगे जो ऐसे कथा सुनाने वाले है उसको मैं क्या दूं महाप्रभु सर कह रहे मैं तो सन्यासी हूं मैं क्या दान करूं आपको तुम्हारे दिलों आलिंगन देखो आलिंगन की साधारण नहीं है जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा भाव सुबलित चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु साक्षात रूप में राधा भाव में विवाहित होकर के ये सब लीला आदि स्मरण कर रहे हैं और जब राजा प्रताप रुद्र उनकी कीर्तन सुनाया और उनके सेवा करने लगे तो आलिंगन लिया जिस स्वयं मानो राधा जी ही उनकी कृपा इसी प्रकार ये समस्त लीला आदि हुई और विशेष करके अभी अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं इसके उधर आगे जाए उधर हम लोग के दर्शन कर रहे हैं ये सुंदर जो बगीचा जो है चैतन्य महाप्रभु कभी कभी जगन्नाथ एक केवल गंभीरा से बाहर आकर के यहाँ पर भक्त के साथ स्थान पर आकर के बैठते थे रात्रि काल में सुंदर ये समस्त लीला आदि स्मरण आदि करते थे विशेष करके जे रात्रि काल में गोपियों की जो रासलीला की जो कथा वो रासलीला आदि कथा स्मरण करते थे जे कृष्ण रास से अंतर्ध्यान होने के पश्चात गोपियां महाभाव में विवाहित होकर के एक एक पेड़ के जो प्रश्न किया था वो समस्त लीला कथा चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर स्मरण आदि करते थे और महाप्रभु के भाव के अनुसार विशेष करके स्वरूप दामोदर कीर्तन आदि करते हैं किंतु चैतन्य चैतन्य में स्पष्ट कर रहे हैं स्वरूप गान आर राय रामानंद कृष्ण कथा स्वरूप गान विरह काले गृह राखे पुराण चैतन्य महाप्रभु जब विरह में ऐसे तड़पते थे उस समय केवल दो व्यक्ति जो है महाप्रभु के भाव के अनुसार
है उस वक्त कीर्तन आदि करते विस्तृत के स्वरूप दामोदर विद्यापति चंडीदास आदि के ऐसे ऐसे सुंदर पदावली कीर्तन करते थे और उस कीर्तन के सुनकर के महाप्रभु इतने प्रसन्न हो जाते थे है कभी उद्धव के नृत्य करते थे कभी विरह में तड़प तड़पते थे और ये समस्त स्थान में। और दूसरी बात है राय रमानंद महाप्रभु के भाव के अनुसार भागवत की श्लोक और श्लोक जो है कीर्तन आदि करते थे। विशेष करके राय रमानंद अपने सर्वचित जो ग्रंथ जो है अतीब उन्नत स्तर की जो ग्रंथ हो जाए जिसे कहा जाता है जगन्नाथ बल्लभ नाटकम ये ग्रंथ इतने उच्च स्तर के ग्रंथ है इस ग्रंथ के कोई एक बार अध्ययन करे पढ़ना शुरू करे इसके छोड़ने के लिए कभी इच्छा नहीं। उसमें इतने विरह की कथा इतने सुंदर रूप में विशेष करके राधा जी के भावों के इतने सुंदर सुंदर भावों के व्यक्त किया और उसी कथा को राय रमानंद महाप्रभु के निकट कीर्तन आदि करते थे रात्रि काल में स्मरण करते थे। और विशेष करके हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी है जो जिसको कहा जाता है स्वरूप रघु रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पास नहीं रहते थे रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोले सतासन आश्रम में रहते थे जहां पर स्वरूप दामोदर रहते थे। स्वरूप दामोदर रात भर महाप्रभु के पास रहते थे गंभीरा में जब लौट करके आते थे तो रघुनाथ दास गोस्वामी पूछते थे आज महाप्रभु कौन सा भाव में कौन सा लीला आदि स्मरण किया और सर्वदा उसे कथा सुनाते थे। उसी के श्रवण करके रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे सुंदर सुंदर भी श्लोक भी उन्होंने रचना किया है जो महाप्रभु राधा जी के जो है वो अभिशाप आदि के बारे में हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी इतने सुंदर सुंदर श्लोक लिखा ठीक जैसे चैतन्य महाप्रभु के भाव के अनुसार मधुर मधुर निशान मधुर मधुर निशान याद है मधुर मधुर निशान जति उद्भासितायम उस श्लोक में इतने सुंदर भाव के अर्थात श्रीमती राधारानी जब कृष्ण के साथ मिलने के लिए अभिशाप करती थी आठ प्रकार की जो नायिका जो है उसमें एक नायिका के प्रथम नायिका होता है अभिसारिका नायिका जो है अभिसारिका नायिका जो नायिका अपने प्राण कांत के साथ मिलने के लिए जाती है और उस समय जाने के समय राधिका कैसे कैसे अपने भावों के व्यक्त आदि करते थे और उस समय सखियां किस प्रकार राधा जी के जो है वस्त्र आदि धारण कराते थे। दो प्रकार के अभिसार होते हैं एक कृष्ण पक्ष और एक कृष्ण कृष्ण पक्ष के जो अभिसार होता है जैसे अमावस्या आदि में अभिसार होता है उसमें जो वस्त्र धारण कराते हैं और ये बताया शुक्ल पक्ष में यानी पूर्णिमा तिथि में जो अभिसार होती है उस समय और एक वस्त्र धारण कराते हैं। ये समस्त वर्णन जो है रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के भाव समुद्र दामोदर से जो कुछ श्रवण किया है उसकी कीर्तन कर उसी की जो अपने ग्रंथ में वर्णन कर दिया है। ये समस्त जो है यही स्थान पर है चैतन्य महाप्रभु ये समस्त लीला के पर स्मरण करते थे जिसे अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे। ये चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद महाप्रभु के साथ मिलने के पहली कई ग्रंथ रचना की है उस ग्रंथ विशेष करके जिस ग्रंथ के नाम ने बताया जगन्नाथ बल्लभ नाटकम ये चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलने के पहले ये ग्रंथ उन्होंने रचना की और विशेष करके अर्जुन महाराज जो बता रहे अभिसार के जो नायिका जो बता रहे हैं जिसमें लिखा है क्या नाम कलयति नयनम दिशि दिशि बोलते ये सब ग्रंथ ये समस्त जो कविता जो है सब अभिसार नायिका के भाव उसमें व्यक्त किया गया है। ये समझता जब भी इसमें इसमें लिख रहे हैं ये प्रताप रुद्र के ही राजा प्रताप रुद्र के सुख के लिए बागवाने ये कविता लिखी किंतु वास्तव रूप में ये राधा कृष्ण की ही भावों के व्यक्त करने के लिए ये समस्त कथा कभी कभी गुरुदेव मथुरा में जो है ये सब कथा कभी कभी व्यक्त करते थे ये भावों की क्या क्रिया पर है यहाँ पर अनेक लीला जो है जिस पर जो राय रमानंद की कथा हम लोग श्रवण किया राय रमानंद जैसे महाभागवत उत्तम जो भागवत उनके बारे में कोई वर्णन करना संभव नहीं है। एक विषय होता है एक होता है क्या
विषय ना अरे क्या शब्द भूल जाता है, विषय प्राय और एक होता है वैष्णव प्राय, कौन श्रेष्ठ है? हम लोग समझ जाते थे वैष्णव प्राय, बोले वैष्णव प्राय नहीं विषय प्राय, देखने विषय की भांति किंतु वास्तव रूप में कैसे कृष्ण रंग में सैम रस में कैसे डूबे हुए हैं उसको दिखाना है। राजानंद की महिमा भी वर्णन हो रहा है, जैसे राजानंद के लिए कभी वर्णन किया महाप्रभु कहते हैं जे ऐसे त्रिभुवने ऐसे नहीं हो सकता है, ये देखो राजानंद ये समझो अपने सर्वचित ग्रंथ जो जगन्नाथ बल्लभ नाटक की और उसको दिखाने के लिए नाटककार नाटक के रूप में दिखाने के लिए देवदासियों के लेकर के एकांत स्थान में है और उनकी जो है ये देते थे प्रशिक्षण देते थे, उनके अंग आदि स्पर्श करके उनकी सारी जो है शिक्षा देते थे किस प्रकार भावों के कैसे प्रकट करना है, तथापि रायरवंद की हृदय कभी भी विषय के द्वारा कभी शोभित नहीं है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु रायरवंद के इतने प्रशंसा की। अभी अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे जब प्रद्युम्न मिश्र महाप्रभु के कहने लगे मैं आपके मुखार विंद से मैं कथा श्रवण करना चाहता हूं, महाप्रभु स्वयं देन करके बोले मैं क्या जानता हूं, देखो रायरवंद से श्रवण कर गया और यहीं पर जब आए रायरवंद उस समय देवदासी के साथ और ये जो है नाटक आदि के प्रशिक्षण दे रहे और उसके सुन करके प्रद्युम्न मिश्र के मन में कुछ भावना हुई, बोले ये वैष्णव कैसे हो गए, जो यहाँ पर भी स्पष्टीकरण चैतन्य चरितामृत में स्पष्टीकरण करें ये शास्त्र में कहा गया एकांत स्थान में अपने स्त्री के साथ अपने बहन के साथ अपने माँ के साथ रहने पर भी क्या होता है हृदय में विकार उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, किंतु देखो रायलवंद ऐसे व्यक्ति है एकांत स्थान में रह करके भी स्त्रियों के साथ रहकर उनके हृदय कभी प्राकृत गुणों के द्वारा कभी छवित नहीं हुआ ना कोई विकार, इसलिए महापुरुष संत रायलवंद की इतने प्रशंसा करने लगे और किंतु प्रद्युम्न मिश्र उसे समझ नहीं पाए, उसके लौट करके आगे महाप्रभु ने पूछा क्या तुम अपने रायरवंद से कथा श्रवण किया, तो कुछ नहीं बोले महाप्रभु समझ गए वास्तव में वैष्णव किसको कहते इसके समझ में नहीं आया। फिर महाप्रभु ने कहा प्रद्युम्न मिश्र तुम जाओ और जाकर के बोलना जे संत चैतन्य महाप्रभु मुझे भेजे हैं आपके मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करने के लिए, और फिर दूसरी बार जब आए और उस समय राजानंद के सेवक उनके बैठने के आसन दिया और फिर रायरवंद मिले, रायरवंद इतने सुंदर हरि कथा कीर्तन करने लगे जिसके अशुसाती विकार आदि देख करके प्रद्युम्न मिश्र विचार करने लगे मैं कैसे मैं अपराध कर चुका, ये समस्त विचार आदि ये समस्त दिखाया, इसलिए कहते हैं वैष्णव चिनिते नारे देवी रसपति, बड़े बड़े वैष्णव लोग भी है और वैष्णव की समझ नहीं पा किसके हृदय में कैसे भाव है वही समझ पाएगा यदि समो कैटेगरी हो सजातीय नहीं होने पर एक तो भाव उद्गार नहीं तो प्रकाश नहीं होते और दूसरी बात उसको समझ भी नहीं पा इसलिए आप श्रवण करें वैष्णव के अवैष्णव समझेंगे और अवैष्णव के वैष्णव समझेंगे, ये समस्त जो कथा यहाँ पर विशेष करके है इस स्थान की जो है और विशेष करके जगन्नाथ बल्लभ पाणी का जो है इसकी कथा जो इतने सुंदर जो है ये स्थान पर तो दिव्य स्थान है, इस स्थान को हम प्रणाम करते हैं वो लीला को प्रणाम करते हैं वो लीला हृदय में उदित हो वंशा गुण कृपा सिंधु उदितानंद पावरे हो वैष्णव।